पेन पेपर सिजर पेपर सिजर। इतनी सुंदर हो तो आप ही बताओ क्या कर। Hello everyone, welcome back to another video and for today's video I'm going to do नथिंग, क्योंकि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। आज मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी तो आई जस्ट थॉट कि मैं आप लोगों के साथ क्यों ना कुछ शेयर करूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, तो सबसे पहले तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ आज ऊपर टेरेस पे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मैं नानी के घर से जब आई थी तब मैं गई नहीं, उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 month हो गया मैं ऊपर नहीं गई। सो आई जस्ट थॉट कि चलो आज टेरेस पे चलते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी लेके चलती हूँ और मैं ना छोटा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। सो या चलते हैं ऊपर। चाबी तो मैं शायद लेने ही भूल गई, या देखती हूँ क्या पता ऊपर पड़ी हो चाबी। तो ये रहा मेरी टेरेस, हमारे घर की टेरेस छोटी सी। अभी यहाँ पे लग रहा ताला, सो देखती हूँ कि ऊपर आने के बाद पता चलता है कि चाबी तो मैं लेके ही नहीं आई और अंदर स्टोर में भी नहीं पड़ी, तो फिर से जाना पड़ेगा नीचे, फिर से चाबी लेके आऊँ। यार क्या है, फाइनली चाबी मुझे मिल गई, अब चलते हैं फिर से ऊपर। चलो फिर से ऊपर चलते हैं। ऊपर तो अब मैं बहुत बोर हो रही हूँ। अब मैं पता क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे वॉक करूँगी एंड करते करते मैं गाने सुनूँगी। पीछे ध्यान मत देना ज़रा, झूला थोड़ा गंदा हुआ पड़ा है, थोड़ा नहीं बहुत गंदा हुआ पड़ा है, क्योंकि हम ना बहुत कम आते हैं टेरेस पे, तो थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। एंड हम लोग तो नानी के घर गए हुए थे तो वहाँ पर वहाँ से आने के बाद तो और पड़ता है। सो या मैं थोड़ी देर गाने वगैरह चिल करूँगी यहाँ पे थोड़ी देर एंड फिर देखते हैं क्या करेंगे। पता है मेरे कुछ गिने चुने फेवरेट सॉन्ग जिनको मैंने ना स्पॉटिफाई में यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है। ये प्लेलिस्ट का नाम पता है मेरे क्या है, मेरी पहली प्लेलिस्ट का नाम MSC माय स्मॉल कलेक्शन। अब मैं इतना बड़ा तो मैं लिखती नहीं तो मैंने MSC लिख दिया पता नहीं क्यों। और मेरी दूसरी प्लेलिस्ट का नाम है SSR सुशांत सिंह राजपूत, उसके मतलब उन्होंने जो फिल्म्स वगैरह की थी उसके सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने उसके एक सेपरेट ना प्लेलिस्ट बना रही। अभी मैं अपनी SSR वाली प्लेलिस्ट सुनूंगी एंड चिल करूंगी थोड़ी देर। थोड़ी देर बाद ये माशे भी मेरे साथ चिल करने ऊपर आ गया। सो अब मुझे बता कुछ खेले खेलते की बात है। तो अब हम लोगों ने बहुत ही यू नो गिला से पूरा क्या बोलती हूँ, हम दोनों ने काफ़ी डिसाइड कर हम दोनों ने काफ़ी हम दोनों ने काफ़ी यू नो आर्ग्यूमेंट करने के बाद फाइनली हम लोग डिसाइड हो गए कि हम लोग खेलेंगे स्टोन पेपर सीजर रॉक पेपर सीजर स्टोन एक ही बात है। ठीक है तो अब हम लोग वो खेलेंगे स्टोन पेपर सीजर स्टोन पेपर सीजर स्टोन पेपर मैं जसमन के ब्लॉग में भी जीती हूँ और यहाँ पे भी जीती हूँ, मैं तो ओके मैं जीतूंगी और जीतती रहूंगी। बहुत बड़बड़ कर लेती हूँ। अब थोड़ी देर हम लोग यू नो कुछ करते हैं गाने से, डांस बहुत बोर हो रही हूँ, डांस नहीं उठे बैठे जो जो जो, जो मेरी बात ये सुनने वाली थी उसमें मैंने इसको गाना माय ब्रदर में मैंने मैंने उठक बैठक किए थे तूने नहीं मैंने किए थे कर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो डन। सो
गाइस अभी मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, कुछ हद से ज़्यादा बोर हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली यार घर पे कोई भी नहीं है मेरे, मम्मी पापा गए हुए हैं मार्केट एंड सीरत गया हुआ है दादी के घर, और मैं घर पे अकेली, तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग जब बोर होते हो तो क्या करते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, ताकि अगली बार जब मैं बोर होंगी तो मैं क्या करूँगी। ये टीवी देखूँगी, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देख चुकी हूँ, और इतना भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि आइस के लिए नो दिक्कत कर जाता है, तो इतना हद से ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। एंड मोबाइल भी देख देख के बहुत ज़्यादा मैं बोर हो गई, तो मैं क्या करूँ पता है। मैं सोच रही हूँ कि पापा आएंगे ना तो पापा के साथ मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँ, तो आएंगे तो कन्विंस करना पड़ेगा। कन्विंस तो खैर मुझे करना नहीं पड़ता क्योंकि मैं रोज़ जाती हूँ एक तरह से घूमने के लिए। एक बार फिर भी पापा को आने दो, फिर मैं पापा से पूछती हूँ कि अगर आज मुझे लेके जाएंगे तो हम लोग आज थोड़ा लंबा जाएंगे अगर गए तो मैं पूछती हूँ। चलो, और बहुत बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं बोल क्या रही हूँ, क्या करूँ। इतनी सुंदर है आप ही बताओ क्या। बिल्कुल सुंदर नहीं, बहुत बकवास कर लेती हूँ मैं। आपको एक बात बताऊँ, पापा मान गए और अब हम लोग जा रहे हैं एक्टिवा पे, और एक्टिवा मैं चलाऊंगी। सो चलते हैं, अभी रात हो रही है तो अभी आपको क्लियर नहीं दिख रही होंगी मैं, बट आई एम वेरी हैप्पी। करके थोड़ा घूम फिर के माइंड रिफ्रेश हो गया इतनी बोरियत के बाद तो, एंड भैया थक गए पता है। एक तो बाहर इतनी रश, मतलब इतना ट्रैफिक वगैरह था बाहर, और ऊपर से कंधे दर्द हो गए। यार मैं तो हैरान हूँ हमारे पापा वगैरह कैसे चला लेते हैं इतनी देर तक स्कूटी एंड बाइक गाड़ियाँ वगैरह, मेरे तो 10-15 मिनट की एक राइड में कंधे पीड़ हो गए। सो या दैट्स फॉर टुडेज वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये मैंने कुछ नया ट्राई किया था डेली व्लॉगिंग का, आई मीन जस्ट एक डेली छोटा सा व्लॉग का। सो या अगर अच्छा लगा और चाहते हो कि मैं ऐसे थोड़े से छोटे छोटे व्लॉग्स करती रहूँ, सो डू कमेंट डाउन, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।